आए हैं उनमें से कुछ महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। अनुशासन, क्या नाम है आपका, ऊंचा बोलिए। मारवाड़ राजस्थान से, कहाँ से आए हो आप? विदिशा से। यहाँ पर सचिन पायलट को सुनना है, क्यों सचिन पायलट का क्या ऐसा है जो आपको आकर्षित करता है, क्या आपको लगता है कि धरती से आप कहाँ से आए हो? विद्यार्थी, सचिन पायलट को सुनने आए हो? हाँ, क्या सचिन लगता है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मुख्यमंत्री में? मुख्यमंत्री लगता है आपको? हाँ लगता है। क्या लगता है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस जो है वो अगला चुनाव जीत सकती है? हाँ जीत सकती है। पर अभी जो परिस्थिति लग रही है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे शायद, तो क्या कहना चाहोगे आप? सचिन पायलट को जितावा आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पुननी जी। पुननी जी, अच्छा ये बताओ सचिन पायलट को सुनने आए हो आप भी? हाँ। कहाँ से आए हो? विद्या से। विद्या से। तो सचिन पायलट तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है नहीं अभी, और अशोक गहलोत है, आपको पता है किस तरह से अशोक गहलोत सचिन पायलट की मनमुटाव चल रहा था, तो क्या लगता है आपको सचिन पायलट को बनाना चाहिए कांग्रेस? सचिन पायलट को जिताना, संबोधित करें। अगर सचिन पायलट को बनाते हैं तो अगला चुनाव जीत जाएगी जीता क्या? सब मेला वोट देंगे। किसान सम्मेलन से अपना संबोधन, ये उम्मीद है हमारे गाँव में उसको जिताएंगे। आप देख सकते हैं ये दूर दराज के इलाकों से आई हुई महिलाएं हैं, इनका कहना है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यहाँ से मारवाड़ की ऐतिहासिक धरा से, यहाँ के पशु मेलों से, यहाँ के किसान सम्मेलनों से एक अद्भुत आगाज हुआ है। मैं चाहूंगा क्या पूरा जन समुदाय, ये सामने वाले भाई साहब आप थोड़े से पीछे जाओ, और पायलट साहब को दिखने दीजिए। हमारे लाडले विधायक भाई रामनिवास गावड़िया जी, हमारे सभी नेतागण, और आज पर्वतसर में, नागौर में इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले रामनिवास जी जयपुर में मुझसे मिलने आए थे, और इन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में, नागौर में, हम सब किसान भाई मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं, एक संकल्प देना चाहते हैं, और एक किसान सम्मेलन का आयोजन हम करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जिस आशीर्वाद से, जिस प्यार से, जिस लाड़ से इस रामनिवास मेरे छोटे भाई को आपने विधायक बनाया। ये रामनिवास जी जब जयपुर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सुनो शांति से मेरी बात को सुनो, रामनिवास जी जयपुर में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो ये मेरे पास उस समय में प्रदेश का अध्यक्ष था, तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने एनएसयूआई से अध्यक्ष पद का टिकट मुझसे मांगा था, और मेरा मन था कि इनको यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का मैं टिकट दूं एनएसयूआई का, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि इनको हम यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं दे पाए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव आए, और मैंने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी जी को बोला, सोनिया गांधी जी को बोला, मैंने कहा हमारे को, कांग्रेस पार्टी को, नौजवानों को ताकत देनी चाहिए, और उस समय मैंने मुकेश जी और रामनिवास जी को, मैंने कहा रामनिवास मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का टिकट तो दे नहीं पाया, मैं तुझे एमएलए का टिकट दूंगा, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने भारी बहुमत से रामनिवास जी को विधायक बनाया। पिछले 4 सालों से मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि रामनिवास जी ने ऐसा कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा, सचिवालय का कोई कमरा नहीं छोड़ा, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजनाएं, बजट, पैसा, विकास का, सड़क का, स्कूल का, अस्पताल का, बिजली का, जो काम हो सकता था उन्होंने कराया। जब मैं सरकार का हिस्सा था
उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमें आधी दर्जन पंचायतें और बनानी है। उस समय नया परिसीमन मन हुआ और मुझे खुशी है कि पर्वत सर में नई 6 पंचायतों का निर्माण हम लोग कर सके राम निवास जी के संघर्ष के कारण।